जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। घटना के अनुसार बांसगांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में सुबह करीब 10 बजे एक एजेंसी मालिक और दुकानदार में मात्र 7,000 रुपए को लेकर विवाद हो गया और मारपीट में दुकानदार की मौत हो गई। आपको बता दें कि मामला बकाया रुपयों के भुगतान ना करने पर तूल पकड़ लिया, जिससे एजेंसी मालिक गुस्सा हो गया और परिजनों और दुकानदार को पीटने लगा। दुकानदार को एजेंसी मालिक ने इतना पीटा कि दुकानदार अशोक गुप्ता 60 वर्ष पुत्र झिनको गुप्ता की मौत हो गई। पुलिस ने देर शाम मुख्य अभियुक्त गोपाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है और शेष अभियुक्तों को भी जल्द ही गिरफ्तार करने का पुलिस की टीम ने दावा किया है। इस संबंध में मृतक के पुत्र दिलीप कुमार और गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, दिलीप कुमार थाने में तारीख दिया आपने भी? जी सर, अपने का दुकान करते हैं और दुकान है किराने का। जी कहाँ पे है? मस्जिद में। तो आज क्या हुआ सुबह आपके साथ? सुबह सर यही हुआ था कि हम सामान लाए थे गौरव श्रीवास्तव के यहाँ से, कल शाम को हमारे पास आए तो उनका पैसा 7,000 रुपया बाकी था। 7,000 रुपया हम कहेंगे कल सुबह आकर ले लीजिएगा। सुबह कहेंगे हमको अभी चाहिए, अपने भाई साहब को बुलाया अरुण कुमार को, उसके पर से वो गए पैसा निकालने दुकान में से, और दुकान में से निकाल कर ले जाकर उनके घर हम लोग 7,000 रुपया दे दिए। सुबह आए हम उनको पैसा दिए हैं और कहें कि हमारा सामान निकालो, कहें कि भैया सामान का है पैसा दे देने, सामान का है निकाले तो पैसा दे देना, होकरे पर से लगना हूँ जैसे कई जानी मिल के मारे हमारे भाई को अरुण, माता जी को शकुंतला देवी को, दिलीप कुमार हमको, अशोक कुमार मेरे पिताजी को जो मृत्यु हो गए। पिताजी मर गए? किससे वो मारे थे? सर हाथ से और डंडे उंडे से। हाथ से डंडे? सर उनके साथ गौरव श्रीवास्तव थे, अंकुर श्रीवास्तव थे, गोपाल श्रीवास्तव थे और एक थे सोनू सिंह, प्रिंस सिंह और दो तीन लोग और थे। सर बांसगांव की जिस घटना के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्रातः काल दो पक्षों में गुत्थम गुत्था हुआ। एक व्यक्ति की अस्पताल में जब उसके परिवार वाले ले गए, डॉक्टरों ने संदिग्ध घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर हत्या का अभियोग दर्ज कर लिया गया है। पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी, पोस्टमार्टम भी हो गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं और हम विश्वास करते हैं कि जल्दी ही उसमें गिरफ्तारी भी हो जाएगी। आगे सारी विधिक कार्यवाही साक्ष्य के क्रम में निस्तारित कर दी जाएगी। सर घटना का कारण क्या रहा था? घटना का कारण दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे के दोस्त भी हैं, जानकार भी हैं, कारोबार में लेन देन था, 7,000 रुपए के लेन देन की बात थी। जो मृतक है उससे 7,000 रुपए मुलजिम पक्ष के निकल रहे थे। कल शायद बात हुई तो उनका कहना है, इनका कहना है कि शाम को हम रुपया उनके घर उनके बेटे को दे आए थे, फिर भी वो मांगने आए सवेरे, तो हमने यही कहा हम आपके बेटे को दे चुके हैं। इस बात पे दोनों लोगों में लड़ाई। आज प्रातः काल बांसगांव कस्बे में हत्या की जो घटना हुई थी उसका मुख्य अभियुक्त गोपाल श्रीवास्तव, ये पुलिस की जो टीमें लगी थी उनको सफलता मिली है, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें अभी भी सक्रिय हैं। हो सकता है आने वाले एक दो दिन में उन सबकी गिरफ्तारी हो जाए।